जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं पनीर चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा पनीर चाट बनाकर दिखाएंगे। देखिए हमारा पैन अब गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। देखिए तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं जीरा। जीरा डालने से थोड़ा स्वाद में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। देखिए हल्का सा जीरा गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड कर दिए हैं लहसुन। लहसुन को थोड़ा चलाने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे, फिर हरी मिर्च, फिर इसके बाद शिमला मिर्च। इसको कुछ समय भूनेंगे जब तक यह ब्राउन ना हो जाए। आप देख पाएंगे इसको भूनना स्टार्ट कर दिया। इसमें हम ऐड कर रहे हैं टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह पकाएंगे। अब इसमें इसको जल्दी से गलाने के लिए इसमें हम नमक ऐड करेंगे। आप देख पाएंगे टमाटर, हम टमाटर डाल के उसको पका रहे हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक। नमक आप स्वादानुसार डालें। आप देख पाएंगे हमने नमक ऐड कर दिया है। ये कुछ समय चलाने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाला। देखिए हम इसमें डाल रहे हैं मसाला, जो कि पनीर चाट मसाला का पैकेट है, इसको डाल रहे हैं। आप देख पाएंगे हमारा टमाटर पकने के कगार पर है। अभी इसमें हम डालेंगे आलू, जो कि उबाल कर हमने पहले से ही रखा हुआ है। देखिए टमाटर पूरी तरह पक चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू को हम अच्छे तरह से मिलाएंगे। आप देख पाएंगे आलू को हम भून चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटर, जो कि पहले से उबाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि हमने मटर को भी डाल दिया इसमें। अब इस दोनों को अच्छी तरह मिलाएंगे और हल्के फ्लेम पर इसको पकाएंगे। देख पाएंगे कितना अच्छा देखने में लग रहा है। अब इसमें हल्का सा हमने चीनी भी डाली हुई है, अभी डाला है हमने थोड़ा सा शुगर, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आता है। देखिए डालने से पानी ऐड कर दिए हैं। इसको कुछ समय पकाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर डालने के बाद इसको तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए जो हमारा आलू और मटर था उसमें मसाला पूरी तरह भीग चुका है। अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं पनीर। देखिए पनीर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हल्के आंच पर इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अब देख पाएंगे इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही है। आप भी अगर बनाएंगे तो आप भी ऐसा महसूस कर पाएंगे। यह बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। अभी देखिए हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी डालने से थोड़ा पौष्टिक हो जाता है और साथ ही कलर भी अच्छा देखने में लगता है। आप देख पाएंगे हल्दी डालने से इसका स्वाद ही बदल जाएगा। और थोड़ा हम इसमें एवरेस्ट मसाला भी डालेंगे, जिससे कि स्वाद थोड़ा चटपटा हो जाए। आप देख पाएंगे पूरी तरह बनकर तैयार होने के कगार पर है। हमारा पानी आधा सूख चुका है, आधे से ज़्यादा लगभग। एक मिनट तक इसको हम और पकाएंगे। अभी आप देख पाएंगे हमारा पनीर चाट अब रेडी होने वाला है, कुछ ही समय में बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरह चलाएंगे। इसके बाद कुछ ही समय में हम गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे। आप देख पाएंगे रेडी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए हैं। अब इसको हम छोटे बाउल में निकालेंगे। देखिए हमारा पनीर चाट पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब देख पाएंगे कैसा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। हम प्लेट में निकाल कर टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताएंगे कैसा इसका स्वाद। देखिए हमने एक प्लेट ली है और प्लेट में पनीर चाट को निकाल रहे हैं। आप देख पाएंगे बहुत ही ज़्यादा गर्म है इस समय और उसकी खुशबू बहुत ही शानदार है। चलिए अभी इसमें हम थोड़ा सैलेड डालेंगे, उसके बाद फिर इसको सर्व करेंगे। सर्व करके बताएंगे कि कैसा है ये फूड जो हमने बनाया अभी पनीर चाट। अभी इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे अब चाट मसाला। आप देख पाएंगे हमने गोल्डी का चाट मसाला लिया हुआ है। इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर इसका स्वाद लेंगे कि अब और बताएंगे आपको कैसा इसका स्वाद। देखिए हमारा ये पूरा चाट बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम इसको सर्व करेंगे। आप देख पाएंगे बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ही टेस्ट कर रहे हैं। वाह यार, बहुत ही
स्वादिष्ट बना है, आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, वो भी घर के सामान से। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।